नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया भौरियाल। राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। दिल्ली के द्वारका इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि द्वारका में रहने वाले एक दंपत्ति ने पड़ोस में ही रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी पति अनिल आर्य इवेंट मैनेजमेंट का काम करता था। उसने पड़ोस में ही रहने वाली 75 साल की बुजुर्ग महिला से 1.5 लाख रुपए लिए थे। जब उस महिला ने अपने पैसे वापस मांगे तो अनिल ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसे जान से मारने की साजिश रची। 30 जून को जब उन्होंने बुजुर्ग महिला को अकेले पाया तो दोनों पति पत्नी ने उस महिला की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़े कर 3 बैग्स में डाला और नजफगढ़ इलाके में एक नाले में बहा दिए। वहीं इस घटना के कुछ दिन बाद 3 जुलाई को बुजुर्ग महिला के परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में करवाई। पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। बुजुर्ग महिला के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे से सारा सच सामने आ गया। पुलिस ने दोनों पति पत्नी की तलाश शुरू कर दी। दोनों की लोकेशन उत्तराखंड के रानीखेत में मिली, जिसके बाद पुलिस जब तक वहां पहुंची तब तक वो लोग वहां से भी फरार हो गए। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन के आधार पर दोनों पति और पत्नी को उत्तर प्रदेश के बरेली से गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।